नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने सिलाई में 14 फंदे डाले हैं। अब हम 5 लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है, तो 6ठा लाइन और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुना, 2 बार ऊन लपेटा, तो सभी फंदे हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा नॉर्मली उल्टा। तो ये हमने 6ठा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का 7वां लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, अगले 3 फंदों को हम खोलेंगे और इन्हें हम सामने की तरफ से ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और पहले फंदे को हम सीधा कर लेंगे और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट 3 फंदे खोलेंगे, पहले फंदे को सीधा कर लेंगे और इन्हें ऐसे हम बाएं सिलाई को इस साइड से ऐसे डालेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। अब तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को हम देख लेंगे कि सीधा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट 3 फंदों को खोलेंगे और दाहिनी सिलाई को ऐसे तीसरे की तरफ से ऐसे इसमें डालेंगे और देखिए हमारे तीनों फंदे घूम गए। अब इन्हें बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। पहले फंदे को हम हर हाल में देखेंगे कि ये सीधा है कि नहीं, ये घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट 3 फंदे खोलेंगे और इन्हें बाएं सिलाई को हम पहले की तरफ से डालेंगे और तीसरे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारे तीनों फंदे घूम गए हैं, इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। और ये ऊपर का फंदा, इसे देख लेंगे कि ये सीधा है कि नहीं, ये घूमा हुआ नहीं होना चाहिए, तो हम इसे सीधा कर लेंगे और तब सीधा बुन लेंगे। लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमारा 7वां लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम रॉन्ग साइड पे हैं और ये डिज़ाइन का 8वां लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट सभी फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट फंदे को नॉर्मली उल्टा। अब ये डिजाइन का 9th रो है और सामने से। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले 3 फंदों को खोलेंगे और इसका हमें अपोजिट करना है। जैसे ये तीसरे से पहले की तरफ आया है तो अब हम इसे ऐसे घुमाएंगे। देखिए पहला फंदा तीसरे की जगह पे आ गया है। तीनों फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तीसरे फंदे को हम देखेंगे घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब नेक्स्ट 3 फंदे खोलेंगे
बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे। अब दाहिनी सिलाई को सामने की तरफ से ऐसे तीनों फंदों को घुमा लेंगे। बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। पहले फंदे को, जो ऊपर वाला फंदा है, उसे हम देख लेंगे कि ये सीधा है कि नहीं, ये घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना डिज़ाइन क्लीन नहीं बनेगा। तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट तीन फंदा खोलेंगे। देखिए ये इस साइड में आया है, यानी कि डिज़ाइन में अब उस साइड में घूमना चाहिए। तो बाएं सिलाई को देखिए पहले फंदे में डालेंगे और तीसरे फंदे की तरफ ऐसे बाहर निकालेंगे, तो हमारे तीनों फंदे देखिए घूम जाएंगे। अब इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऊपर वाले फंदे को देखेंगे कि ये घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, इसे हम सीधा कर लेंगे। तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब नेक्स्ट तीन फंदे खोलेंगे और इसे बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे। अब देखिए ये डिज़ाइन इस साइड में गया है, यानी अब हमारा राइट हैंड साइड में घूमना चाहिए। तो तीनों दाहिनी सिलाई को तीसरी सिलाई से पहली सिलाई की तरफ ऐसे डालेंगे। अब देखिए ये तीनों फंदे घूम गए। अब इन्हें वापस बाएं सिलाई में कर लेंगे और तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। पहले फंदे को देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे, ये घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, तो तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर हमें 6 लाइन प्लेन बुनना है, यानी पीछे से सभी फंदे उल्टे और सामने की तरफ से सभी फंदे सीधे। तो दो डिज़ाइन के बीच में 6 लाइन का गैप रहेगा। आप चाहें तो इसे बढ़ा के 8 या 10 भी कर सकते हैं। और 4 लाइन का ये डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।